हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के इस ऑटोकैड लेसन में हम बात करेंगे प्रिंट एंड प्लॉट की, क्या होता है, किस तरह से है। दोस्तों, वैसे तो हम जब भी कोई ड्राइंग बनाते हैं उसे उसका आउटपुट एक पेपर शीट पर लेते हैं, तो पेपर शीट पर उसका आउटपुट लेना ही प्रिंट या प्लॉट कहलाता है। उसके लिए आपको एक प्रिंटर या प्लॉटर की आवश्यकता होगी। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें किस तरह से कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंट और प्लॉट, प्लॉट ए ड्राइंग टू अ प्लॉटर प्रिंटर और अ फाइल इन द कमांड लाइन। तो यहाँ पे जब भी आप प्रिंट या प्लॉट कमांड देंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास विंडो आपके सामने ओपन होगी। तो ये क्या होते हैं, पहले इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे देता हूँ। तो जब भी आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे ऑटोकैड में, तब ये वाली विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ से पेज सेटअप आपको करना है, पेज सेटअप नेम दे सकते हैं। देन प्रिंटर एंड प्लॉटर की सेटिंग करनी होती है, जो भी आपके पास अटैच प्रिंटर या प्लॉटर है उसका नेम यहाँ पे देना होगा आपको। उसके बाद पेपर साइज आपको यहाँ से सेट करना होगा, पेपर साइज सेट कर देंगे तो उस पेपर साइज पे वो ऑब्जेक्ट आपका प्रिंट होगा। देन प्लॉट टू एरिया, प्लॉट एरिया यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, वो क्या होते हैं वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। फिर है प्लॉट ऑफसेट, क्या ऑफसेट रहेगा उसका, ओरिजन टू सेट प्रिंटेबल एरिया क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें, एंड सेंटर टू प्लॉट क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें। प्लॉट स्केल, फिट टू पेपर रखना है या किसी स्केल पर उसे निकालना है। प्लॉट स्टाइल टेबल भी आप चेंज कर सकते हैं उसमें। शेडेड व्यू पॉट ऑप्शन यहाँ पे दे सकते हैं आप उसे, प्लॉट ऑप्शन दे सकते हैं क्या क्या है, और ड्राइंग ओरिएंटेशन सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या होता है। द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स आर डिस्प्लेड, क्या क्या होंगे। सेट वेदर यू स्पेसिफाई अ फ्यू बेसिक सेटिंग बिफोर प्रिंटिंग योर ड्राइंग और चेंज मोर एडवांस्ड सेटिंग्स। तो क्या क्या होती हैं वो देखते हैं। लेआउट्स नेम, स्पेसिफाइज द नेम ऑफ द टैब यू वांट टू प्लॉट, एंटर क्वेश्चन मार्क टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ टैब्स। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पेज सेटअप नेम, तो पेज सेटअप नेम आपको देना होगा, जैसे कि हमने देखा था वहाँ पे। स्पेसिफाई अ डिफरेंट पेज सेटअप टू यूज फॉर द प्लॉट, एंटर क्वेश्चन मार्क टू डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ नेम्ड पेज सेटअप। तो नेम के अकॉर्डिंग उस पेज सेटअप को आप दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइस नेम, जैसा कि वहाँ पे प्रिंटर एंड प्लॉटिंग प्लॉटर का नेम था वो आपको देना था, वो ही देंगे यहाँ पे। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द आउटपुट डिवाइस फॉर द प्लॉट, तो आउटपुट डिवाइस में क्या आप निकालना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होंगी। राइट प्लॉट टू अ फाइल, स्पेसिफाई वेदर टू सेव द प्लॉट एज कॉन्फिगर्ड टू अ फाइल। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, येस सेव द प्लॉट टू अ फाइल, नो सेंड्स द प्लॉट टू सेम अदर फ्रॉम द आउटपुट फाइल नेम, स्पेसिफाई द फाइल नेम फॉर द प्लॉट फाइल। तो ये तीनों चीज़ें आप वहाँ पे दे सकते हैं। सेव चेंजेस टू लेआउट्स, ये क्या होता है वो देखते हैं। स्पेसिफाई वेदर यू वांट टू सेव द चेंज यू मेड, तो जो भी आप सेव चेंज करना चाहते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। प्रोसीड विद प्लॉट, स्पेसिफाई वेदर यू वांट टू प्लॉट द ड्राइंग, यस और कैंसिल द ओरिएंटेशन, नो, दोनों चीजें आप यहां पर दे सकते हैं। फिर है पेपर साइज, स्पेसिफाई द पेपर द साइज ऑफ द पेपर, यू मस्ट स्पेसिफाई द साइज एग्जैक्टली एज इट इज डिफाइंड बाय द प्लॉटर ड्राइव, एंटर टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ पेपर साइज। तो यहाँ पे आप पेपर साइज सेट कर सकते हैं, A4, A3, A2, A1, A0, या फिर जो भी आपका आउटपुट डिवाइस है वो जो भी ले सकता है वो सारे पेपर आप यूज कर सकते हैं। पेपर यूनिट्स, स्पेसिफाई वेदर टू यूज इंचेस और मिलीमीटर्स फॉर द पेपर साइज, तो इंचेस या मिलीमीटर दोनों पेपर साइज आप यूज ले सकते हैं, यानी आर्किटेक्चर एंड डेसिमल यूनिट दोनों ही इसमें यूज ली जा सकती हैं। आगे है ड्राइंग ओरिएंटेशन, स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन यूज टू प्लॉट द ड्राइंग, तो ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग आप उसको प्लॉट को सेट कर सकते हैं ड्राइंग को अपनी। पहला है पोर्ट्रेट, ओरिएंट
एंड प्लॉट द ड्रॉइंग सो दैट द शॉर्ट एज ऑफ द पेपर रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ द पेज. सेकेंड है लैंडस्केप ओरियंट्स द एंड प्लॉट्स द ड्रॉइंग सो दैट द लॉन्ग एज ऑफ द पेपर रिप्रेजेंट द टॉप ऑफ द पेज. तो ये सारी फैसिलिटी इन दोनों ऑप्शन में आपको मिलेंगी. प्लॉट अपसाइड डाउन, स्पेसिफाई वेदर द ड्रॉइंग इज प्लॉट अपसाइड डाउन. तो यहाँ पे अपसाइड डाउन होगी, जैसे आप एक वाटर इमेज देखते हैं उस तरह का अपसाइड डाउन में आपको प्लॉट मिलेगा. प्लॉट एरिया, यहाँ पे प्लॉट एरिया में देखते हैं डिस्प्लेज चार्ज ऑप्शन जो मैंने बताए थे वो क्या क्या होते हैं वो हम देखते हैं. तो प्लॉट एरिया में डिस्प्लेज प्लॉट द व्यू इन द करंट व्यू पॉट ऑन द मॉडल टैब और द करंट व्यू इन द लेआउट डिपेंडिंग ऑन विच टैब यू सेलेक्टेड टू प्लॉट. तो ये डिस्प्लेड यानी जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा ही आपका वहाँ पे वो प्रिंट में आएगा. सेकंड है एक्सटेंड्स प्लॉट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द करंट व्यू पॉट एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट ऑन फ्रोजन लेयर फ्रॉम द लेआउट टैब ऑल द ज्योमेट्री इन पेपर स्पेस इज प्लॉटेड. वैसे मैं आपको इसका समझा देता हूँ क्या होता है. जब भी आप जेड एंटर ई एंटर करते हैं यानी जेड एक्सटेंड करते जूम एक्सटेंड करते हैं तो जो आपकी फुल स्क्रीन पर जो भी ऑब्जेक्ट आपका बना होता है वो आपका स्क्रीन पर आ जाता है. तो वही चीज़ यानी जो भी आपकी स्क्रीन पर बना है जेड एंटर ई एंटर करने के बाद वो सारा ऑप्शन आपका डिस्प्ले होगा और वही आपका प्रिंट में आएगा. चलिए इसके बाद देखते हैं लिमिट्स अवेलेबल ओनली व्हेन द मॉडल टैब इज सेलेक्टेड प्लॉट द ड्राइंग एरिया डिफाइंड बाय अ ग्रिड लिमिट्स. यानी आपने अपनी जो लिमिट सेट की हुई हैं पेपर साइज़ की जो लिमिट सेट की हुई हैं वो लिमिट साइज़ में जितना भी ऑब्जेक्ट आपका उसमें दिखाई देगा उतना ऑब्जेक्ट आपका प्रिंटेबल एरिया में आएगा. तो यहाँ पे लिमिट्स इस तरह से यूज होगा. देन है लेआउट अवेलेबल ओनली व्हेन अ लेआउट टैब इज सेलेक्टेड. जब आपने लेआउट टैब सेलेक्ट किया हुआ है तभी ये अवेलेबल होगा. प्लॉट एवरीथिंग विद इन द प्रिंटेबल एरिया ऑफ द स्पेसिफाइड पेपर साइज विद द ओरिजिन कैलकुलेटेड फ्रॉम 0, 0 इन द लेआउट. यानी 0.0 से जो आपने पेपर साइज वहाँ पे लेआउट में सेट किया है उसमें जो भी प्रिंटेबल है वो सारी चीज़ें आपने इसमें प्रिंट होके आएंगी. देन है व्यू अवेलेबल ओनली इफ द ड्रॉइंग हैज नेम्ड व्यू. जब आपका नेम्ड व्यू में होगा तभी ये आपको डिस्प्ले होगा. प्लॉट्स अ व्यू सेव्ड प्रीवियसली विद द व्यू कमांड यू कैन सेलेक्टेड ए नेम्ड व्यूज फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड. तो जो नेम पहले आपने प्रिंट किया हुआ है उसका नेम्ड दिया हुआ है वही चीज़ यहाँ पे प्रिंट होके आएगी. और सबसे लास्ट ऑप्शन है विंडो, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है. इसमें है प्लॉट्स एनी पोर्शन ऑफ द ड्राइंग यू स्पेसिफाई द दिस ऑप्शन प्रॉम्प्ट यू टू स्पेसिफाई द कॉर्नर ऑफ द विंडो दैट डिफाइंस द प्लॉट एरिया. यहाँ पे विंडो आपको यूज लेना है और दो अपोजिट कॉर्नर सेलेक्ट करने हैं उनके जो अपोजिट कॉर्नर के अंदर जितना भी एरिया आएगा वो सारा प्रिंट हो जाएगा. आगे देखते हैं प्लॉट स्केल कैलकुलेट द प्लॉट स्केल फॉर द आउटपुट. द डिफॉल्ट स्केल सेटिंग इज 1:1 व्हेन प्लॉटिंग अ लेआउट अनलेस यू हैव मॉडिफाइड एंड सेव द सेटिंग द डिफॉल्ट सेटिंग इज फिट व्हेन प्लॉटिंग अ मॉडल टैब. तो यहाँ पे वैसे 1:1 डिफॉल्ट होती है और फिट टू पेपर जब आप कर देते हैं तो जितना भी एरिया आपने सेलेक्ट किया है वो पूरे पेपर पे फिट हो जाता है. इसके अलावा आप स्केलिंग के अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं. इसके बाद आता है शेड प्लॉट सेटिंग एज डिस्प्लेड. जैसा दिखाई दे रहा है उस तरह से स्पेसिफाई दैट मॉडल स्पेस यू इज प्लॉटेड द सेम वे इट इज डिस्प्लेड. जैसा दिखाई दे रहा है वैसा का वैसा वहाँ पे आ जाएगा. देन है वायर फ्रेम स्पेसिफाई दैट अ मॉडल स्पेस व्यू इन प्लॉटेड इन अ वायर फ्रेम रिगार्डलेस ऑफ डिस्प्लेज. तो यहाँ पे क्या होता है जब भी आप किसी 3D ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उसे वायर फ्रेम मोड में आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं. देन है हिडन स्पेसिफाई दैट अ मॉडल स्पेस व्यू इन प्लॉटेड विद हिडन लाइन्स रिमूव्ड रिगार्डलेस
टू डिस्प्ले। तो यहाँ पे भी ये भी 3D पर ही वर्क करेगा। जब भी आपका कुछ इस तरह का ऑप्शन होगा जिसका हाइड करके देखना है, यानी उसके जो बैक साइड की एजेस हैं उनको हाइड करना है, तो वो हिडन ऑप्शन से आप ले सकते हैं। विजुअल स्टाइल, यहाँ पे विजुअल स्टाइल क्या है वो देखते हैं। नॉट अवेलेबल इन ऑटोकैड एलटी, पहले तो ये ऑटोकैड एलटी वर्जन में आपको नहीं मिलेगी। प्लॉट ए मॉडल स्पेस व्यू विद द स्पेसिफाइड विजुअल स्टाइल अप्लाइड रिगार्डलेस ऑफ द करंट डिस्प्ले इन द व्यू पॉट, यू आर प्रॉम्प्टेड टू स्पेसिफाई अ विजुअल स्टाइल। तो यहाँ पे विजुअल स्टाइल कई तरह की होंगी, जैसे रेंडर्ड है, हिडन है, वायर फ्रेम है, एक्सरे मोड है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल होने वाली हैं। फिर है रेंडर्ड, ये भी ऑटोकैड एलटी वर्जन में आपको नहीं मिलेगी। स्पेसिफाइड दैट मॉडल स्पेस व्यू प्लॉट आर रेंडर्ड रिगार्डलेस ऑफ डिस्प्लेस, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। देन है DPI, DPI ये भी आपको अवेलेबल इन इफ शेड प्लॉट क्वालिटी इक्वल टू कस्टम, जब कस्टम होगी तब DPI सेटिंग आप उसमें कर सकते हैं, उसके विजुअलाइज कर सकते हैं किस तरह से आपको आएगा। स्पेसिफाई द डॉट्स पर इंच, जो है DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच फॉर शेडेड एंड रेंडर्ड व्यू, तो ये शेडेड एंड रेंडर्ड व्यू में यूज होगा। अप टू द मैक्सिमम रेजोल्यूशन ऑफ द करंट प्लॉटिंग डिवाइस, तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी जब भी आप करेंगे, यानी 3D ऑब्जेक्ट में जब रेंडर्ड और आपके रेंडर्ड और शेडेड व्यू होंगे उन्हीं पर DPI अप्लाई होगा। तो दोस्तों आज के इस ऑप्शन में इतना ही। आप अपने आउटपुट में जो प्रिंट निकालते हैं उसको अच्छे से यूज़ कीजिए, अपनी ड्राइंग्स को प्रिंट निकालिए, तो यही इस लेसन में है। तो जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो दोस्तों इस लेसन में इतना ही, थैंक्स।